नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बेबी देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बेबी देवी ने टूटी फूटी भाषा में शपथ पत्र पढ़ी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मंत्री का नियुक्ति पत्र पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मंत्री पद की शपथ लेने पर श्रीमती बेबी देवी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मंत्री बनने के बाद अब वो बेबी देवी को चुनावी रणभूमि में उतारेंगे। ऐसा दूसरी बार हो रहा है जिन्हें बिना सदन की सदस्यता के ही मंत्री बनाया जा रहा है। इनसे पहले हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था। गौरतलब है कि चेन्नई के MGM अस्पताल में झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बीते 6 अप्रैल को निधन हो गया था, जिसके बाद से हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट में मंत्री का एक पद खाली हो गया था। वहीं तब से कयास लगाया जा रहा था कि बेबी देवी को हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में बेबी देवी के साथ उनकी पुत्री रीना देवी, भतीजा दिवाकर महतो सहित परिवार के अन्य सदस्य आए। उनका पुत्र अखिलेश महतो भी रविवार की सुबह हैदराबाद से रांची आए। वहीं शपथ समारोह के बाद उनके बेटे ने मीडिया से कहा कि मां के मंत्री बनने से उन्हें बेहद खुशी हुई है और हम सब उनके साथ हैं। बात की कितनी खुशी है मां को मंत्री बनता है। राज्यपाल खुशी तो रहेगा ही कि मेरे माता श्री आज राज्य के मंत्री बन रही है, तो काफी खुशी है। वहाँ लोग कह रहे हैं फेसबुक पे हर जगह लिखा जा रहा है कि राजू को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, लोग आपके समर्थन में आवाज लगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे माता जी को ही ठीक है, वो संभाल लेंगे। तो कौन सा विभाग मिल रहा है, जो आपके पिताजी के पास था या कोई और नया भी जुड़ रहा है? अब उसको तो मुझे जानकारी नहीं है, अब देखते हैं, हाउस जा रहे हैं, सीएम हाउस देखते हैं, जो विभाग मिलेगा उसको हम निभाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अब माता श्री बनी है तो हम लोग उनके पीछे है। चुनाव में कितना आसान हो गया रहा? चुनाव में चुनाव आसान नहीं, संघर्ष रहेगा। चुनाव है, हर जीत तो समझ ही सकते हैं। चुनाव हल्के में नहीं लेते हम लोग, अपना मेहनत करेंगे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।